हेलो एंड वेलकम टू एएसएम मोटर्स। स्कॉडा एक जाना माना प्रीमियम ब्रांड है विच इज़ द पार्ट ऑफ वॉक्सवैगन ग्रुप। और स्कॉडा ने रिसेंटली रैपिड के फेसलिफ्ट वर्जन को रशिया और यूरोपियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है और इंडिया में हमें इसका फेसलिफ्ट वर्जन 2022 में देखने को मिल सकता है। पर तब तक आप लोग इसका 2020 मॉडल ले सकते हैं जो अब आपको विद ऑल न्यू BS6 इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है। इसमें अब आपको 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है विद 3 सिलेंडर और इसका डीजल इंजन अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बट क्या ये कार आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी? और अगर है तो आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए? जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूँ ऑन आवर यूट्यूब चैनल ASM मोटर्स, द प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट डिटेल नॉलेज ऑफ योर फेवरेट कार्स। स्कॉडा रैपिड अब आपको 6 वेरिएंट्स में मिलती है विच आर राइडर, राइडर प्लस, एम्बिशन, ऑनिक्स, स्टाइल एंड मोंटी कार्लो, जिनकी प्राइजेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रैपिड आपको 4 डिफरेंट कलर्स में मिलती है जो है कैंडिड वाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर एंड टॉफी ब्राउन। अब रैपिड के वेरिएंट्स को कंपेयर करने से पहले हम इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर्स और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। स्कॉडा रैपिड बिल्ड की गई है वॉक्सवैगन ग्रुप के A06 एंड PQ25 प्लेटफॉर्म पर और अब इसके स्टीरियर्स आपको काफ़ी प्रीमियम लगेंगे जो कि हो सकता है आपको एक ही नज़र में पसंद आ जाएं। फ्रंट में आपको स्कॉडा की सिग्नेचर ग्रिल मिलती है कॉम्प्लीमेंटेड विद दी क्रोम सराउंड्स। सेंटर में आपको न्यू स्कॉडा का लोगो देखने को मिलेगा विद ब्लैक फिनिश। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद LED DRLs एंड फॉग लैम्प्स। इसकी साइड प्रोफाइल भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी जिसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल एंड ORVMs मिल जाते हैं विद टर्निंग इंडिकेटर्स। और विंडो के नीचे आपको एक क्रोम लाइन की फिनिश भी देखने को मिलती है जो गाड़ी की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। अब इसके बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। द बैक प्रोफाइल ऑफ द स्कॉडा रैपिड ऑल्सो हैज़ एन स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस ऑन द रोड्स जिसमें आपको सी शेप्ड स्मोक टेल लाइट मिल जाती है विद स्कॉडा एंड रैपिड ब्रांडिंग ऑन द टेल ऑफ द कार। और डेक पर आपको क्रोम मोल्डिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है विच हेल्प्स इन एनहेंसिंग द लुक्स ऑफ द कार्स। ओवरऑल एक्सटीरियर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो वी कैन से वाओ, क्योंकि रैपिड को स्कॉडा ने काफ़ी शानदार लुक दिया है एक्सटीरियर से। अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जो आपको सेम मिलेगा इन ऑल दी वेरिएंट्स। इसमें आपको 1.0 TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है विद 3 सिलेंडर एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ओनली, जो आपको ऑफर करेगा 110 BHP की पावर एट 5000 RPM एंड 175 Nm का टॉर्क एट 1750 RPM विच इज़ अमेजिंग। एंड फर्दर इंजन डिटेल्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी लॉन्च नहीं किया गया है। चलिए अब जल्दी से इसके इंटीरियर्स को देख लेते हैं। तो जब आप इसके इंटीरियर्स को देखेंगे तो हो सकता है आप थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाएं बिकॉज इट लुक्स मच मोर सिमिलर टू द ओल्ड स्कूल पोलो एंड वेंटो। रैपिड के इंटीरियर्स में आपको कोई भी खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट मिलता है विद सम क्रोम फिनिश अराउंड AC वेंट एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं विद क्रूज कंट्रोल एंड कूल ग्लो बॉक्स जैसे काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। रैपिड का इंटीरियर आपको आउटडेटेड लग सकता है बट इसकी फिट एंड फिनिश एंड मटेरियल क्वालिटी में आपको कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे आप इसके एक्सटीरियर्स को देखें या इंटीरियर्स को। तो चलिए अब रैपिड के वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं विद ऑल इट्स फीचर्स एंड बताते हैं आपको कि आपके लिए इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। सबसे पहले इसके बेस वेरिएंट राइडर से शुरू करते हैं। रैपिड के राइडर वेरिएंट में आपको काफ़ी सारे बेसिक और यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल एंड ORVMs, 15 इंच स्टील व्हील्स, रियर डिफॉगर, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, सेंटर लॉकिंग, ऑल 4 पावर विंडोज, रैपिड स्कफ प्लेट्स, 2DIN 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज, रियर सीट आर्म रेस्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट विद कप होल्डर, एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सीट हेडरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs, बॉटल होल्डर ऑन ऑल 4 डोर्स, कीलेस एंट्री एंड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील्स विच इज़ सेगमेंट लीडिंग, जैसे ढेर सारे भरपूर फीचर्स आपको इसके बेस वेरियंट में ही मिल जाते हैं जो कि इस गाड़ी को इसके कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और इसके लिए आपको 7,49,000 देने पड़ेंगे एक्स शोरूम। चलिए अब इसके न्यू राइडर प्लस वेरिएंट की बात करते हैं जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें आपको वही सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि राइडर वेरिएंट में मिलते हैं बट राइडर प्लस में कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं विच आर 6.5 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, विंडो लाइन क्रोम गार्निश, ब्लैक बीपलर, ट्रंक लिप क्रोम गार्निश,
डेकोरेटिव स्टिकर्स ऑन डोर्स, और अब ये आपको सिल्वर एंड ब्राउन कलर ऑप्शन में भी मिलेगी। और इन सब फीचर्स के लिए आपको 50,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे ओवर दी राइडर वेरिएंट। नेक्स्ट है इसका एम्बिशन वेरिएंट, जिसमें काफ़ी सारे फील गुड फीचर्स को ऐड किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएस, फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प्स, 15 इंच अलॉय व्हील्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर लीवर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडोज, जैसे ढेर सारे चुटुर फुटुर फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको राइडर प्लस से 2,00,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे मात्र। ये प्राइजेस मैं आपको एक्स शोरूम प्राइजेस से कंपेयर करके बता रहा हूँ, विच कैन बी वेरी फ्रॉम इट्स ऑन रोड प्राइजेस। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके ऑनिक्स वेरिएंट की तरफ। इसमें आपको जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं ओवर द एम्बिशन वेरिएंट, वो हैं ब्लैक 16 इंच अलॉय व्हील्स, ब्लैक ORVMs, ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन इंटीरियर्स, स्पोर्टी ब्लैक डैशबोर्ड लेआउट, फ्लैट बॉटम स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, रियर विंड स्क्रीन कर्टन एंड लेदर अपॉस्ट्री। एंड ये आपको मिलेगी एक्सक्लूसिवली ब्लू कलर में, जो बेस्ड है ऑल स्पोर्टी ब्लू थीम पर। और ब्लू कलर आपको सिर्फ राइडर के ऑनिक्स वेरिएंट में ही मिलता है, और इन सब के लिए आपको बस 20,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे ओवर दी एम्बिशन वेरिएंट। अब रैपिड के स्टाइल वेरिएंट की बात करते हैं, जिसमें आपको कुछ अपग्रेडेड सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, विच आर 4 एयरबैग्स विच इंक्लूड्स 2 फ्रंट साइड एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग ORVMs, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर पार्किंग कैमरा, कूल ग्लोव बॉक्स एंड क्रूज कंट्रोल। और इन सब के लिए आपको ऑनिक्स के ऊपर 1,30,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। और स्कॉडा रैपिड के सिर्फ इसी वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग्स ऑफर करती है, ना कि किसी और वेरिएंट में। ओनली स्कॉडा नोज व्हाई इट ऑफर्स 4 एयरबैग्स ओनली इन दिस वेरिएंट। चलिए अब इसके टॉप ऑफ द इन लाइन मोंटी कार्लो की बात करते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। मोंटी कार्लो इज़ द मोर स्पोर्टी एंड प्रीमियम लुकिंग वेरिएंट ऑफ द रैपिड, ऑफर्ड विद ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फुल ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, ब्लैक ORVM, ब्लैक स्पॉयलर, मोंटी कार्लो स्कफ प्लेट्स, ब्लैक रूफ, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, पियानो ब्लैक फिनिशिंग इंटीरियर एंड अराउंड AC वेंट्स, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ब्लैक स्पोर्टी थीम। और इसकी स्टीयरिंग पे आपको रेड स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी, विच लुक्स गुड। और ये आपको एक्सक्लूसिवली रेड कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी, जो कि अवेलेबल है इन दिस वेरिएंट ओनली। अगर आपको इसका रेड कलर लेना है तो आपको इसका मोंटी कार्लो वेरिएंट ही परचेस करना पड़ेगा। अब इन सब के लिए आपको 30,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे ओवर द स्टाइल वेरिएंट। अब वक्त आ गया है कंक्लूजन का, और आपको बताने का कि इसका कौन सा वेरिएंट आपको कंसीडर करना चाहिए और इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। रैपिड का राइडर और राइडर प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए हमारे हिसाब से। अगर आपका बजट 8,00,000 तक का है और आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए विद गुड अमाउंट ऑफ पावर एंड सम बेसिक फीचर्स, तो आप इसका राइडर वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपके लिए टच स्क्रीन होना कंपलसरी है तो आप इसका राइडर प्लस वेरिएंट ले सकते हैं। रैपिड के बाकी के वेरिएंट इसकी वैल्यू को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करते हैं, बट अगर आपको रैपिड ही लेनी है और आपके पास बजट की कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसका कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्कॉडा एक प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड है, और इसकी फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी में आपको कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, बट इट ऑल्सो हैज़ सम निगेटिव पॉइंट्स, विच आर पहला इसका सर्विस नेटवर्क। स्कॉडा का सर्विस नेटवर्क काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से आपको इसकी सर्विस में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सेकेंड, इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, इसके पार्ट्स काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। और तीसरा, अगर आप सोच रहे हैं रैपिड की बेस वेरिएंट को लेकर आप इसको आफ्टर मार्केट अपग्रेडेशन कर सकते हैं, तो यू आर रॉन्ग। जैसे ही आप इसमें आफ्टर मार्केट अपग्रेडेशन करते हैं, उसी वक्त इसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रैपिड। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।